देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसको लेकर अब शासन व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के संभल जिले के जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से चेहरे पर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया है। जिलाधिकारी के वीडियो संदेश में दर्शाया गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क ही एक ऐसा उपाय है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरते। घर से निकलने पर मास्क से मुंह व नाक को सही ढंग से ढके व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बता दें कि संभल जिले में अब तक 2931 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 41 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि रिकवरी आंकड़े की बात करें तो वो जरूर बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि संभल जिले में 2931 मरीजों में से 2822 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वो देखो दो लड़के, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग, चलो हमला करें। शिकार करते हैं। अच्छा। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। अरे अरे याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें, सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।